भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चांदी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खनगांव गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में एक नली बंदूक, पिस्टल, देसी कट्टा के साथ 50 जिंदा कारतूस सहित विदेशी शराब, लगभग 100 बोतल एवं 6,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि भोजपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खनगांव गांव के विजय पांडे, गोपाल पांडे व अमित शाह के घरों में भारी मात्रा में शराब व हथियार छुपाकर रखा गया है, जिससे पुलिस ने गुप्त सूचना मिलते ही संदेश चांदी व भोजपुर पुलिस कर्मी के संयुक्त ऑपरेशन में हथियार, कारतूस व शराब सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में खनगांव के स्वर्गीय चंद्रदेव पांडे के पुत्र विजय पांडे, विजय पांडे के पुत्र गोपाल पांडे व महेंद्र शाह के पुत्र अमित शाह उर्फ देवव्रत शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी गई है। छापेमारी के संयुक्त ऑपरेशन में भोजपुर पुलिस, चांदी पुलिस व संदेश पुलिस सहित भारी संख्या में सैप जवान, महिला व पुलिस कर्मी चौकीदार भी मौजूद थे। देखिए, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चांदी थाना के खनगांव के विजय पांडे हैं, जो पूर्व से भी अपराधी रहे हैं, 2 बार ये जेल जा चुके हैं, एक बार पटना जिले से, एक बार हमारे यहाँ से भी, और उनके यहाँ हथियार होने की सूचना मिली थी। उस सूचना के आलोक में SDPO सदर, SHO चांदी और संदेश की एक टीम बनाई गई और इनके साथ थाने के और पदाधिकारी और बल थे। इन लोगों ने जाकर जब छापेमारी की तो छापेमारी में सिंगल बैरल के 2 गन, 3 कट्टा और 1 7.65 का पिस्टल देसी है, ये मिला है। इसके अलावा 12 बोर के 34 कारतूस, 315 बोर के 18 कारतूस, 12 बोर का खोखा, 1 315 बोर का एक खोखा और 1 7.65 का खोखा मिला है। छापामारी के क्रम में ही पुलिस को उसके घर से शराब भी मिला है, 375 ml का, 100 पीस, कुल 37.5 liter शराब मिला है। जब पूछा गया कि ये शराब कहाँ से आई है तो उसने बताया कि एक विजय शाह नाम का आदमी है, उसने उसे यह शराब दिया था, तो उसके बदले में उसने उसको 42,000 रुपये भी दिए थे। इस सूचना के सत्यापन पे फिर विजय के घर छापेमारी हुई, उसी क्रम में तो उसके यहाँ से 6,00,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, पुलिस ने बरामद किया है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो शराब के व्यापार में लिप्त है। कुल 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, विजय पांडे का पुत्र गोपाल पांडे और अमित शाह उर्फ देवव्रत शाह की। पुलिस के लिए अच्छी कामयाबी है, इसलिए जो भी हमारे टीम में पदाधिकारी थे, जो सब इंस्पेक्टर और बाकी सिपाही और बाकी लोग हैं, उन सबको पुरस्कृत किया गया है आज ही, और SDPO साहब को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और ये बड़ी कामयाबी है और इसमें हम लोगों ने और भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि आखिर ये हथियार कहाँ से इनके पास आया था और कौन लोग इस कारोबार में जुड़े। चंदी पुराना गढ़ रहा है।